हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईमर खोशे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ग्रैनी स्क्वायर बनाना। ठीक है, इस स्क्वायर को डेजी ग्रैनी स्क्वायर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका सेंटर वाला पार्ट बनाना है, तो इसके लिए हमें कलर चाहिए होगा येलो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैजिक सर्कल बनाना है। ठीक है, इस तरह हम मैजिक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद तीन चेन, एक दो तीन, थ्री चेन हमने बना ली। थ्री चेन बनाने के बाद ये जो मैजिक सर्कल है इसमें हमने 12 जो हैं वो डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह मैजिक सर्कल के अंदर जो है हमने 12 डबल क्रोशे लेते जाना है। ठीक है जी, तो हमने 12 डबल क्रोशिया जो है वो बना लिए। फर्स्ट हमने 3 चेन बनाए और उसके बाद हमने 12 जो हैं वो डबल क्रोशिया स्टिच जो हैं वो इसमें बनाए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो मैजिक सर्कल है इसकी ये जो हमने धागा छोड़ा हुआ था इसको खींच के टाइट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, मैजिक सर्कल का मकसद असल में यही होता है कि आप इजीली जो है ये जो आप सेंटर वाला पार्ट बना रहे हैं यहाँ जो होल है उसको आप, ये जो होल आपको नज़र आ रहा है, आप अपनी मर्जी से जितना चाहें इसको टाइट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप जो है वो 4 चेन करके तो उससे भी ये सर्कल जो है वो बना सकते हैं, 4 चेन और स्लिप स्टिच के साथ। तो हमने यहाँ पे मैजिक सर्कल बनाया, उसमें 3 चेन बनाए और उसके बाद 12 डबल क्रोशे स्टिच जो हैं वो इसमें लिए। स्लिप स्टिच के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे, 1 चेन और फिर हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा ये जो सेंटर वाला जो है वो पार्ट ये रेडी हो गया है। नेक्स्ट कलर हमें चाहिए फ्लावर बनाने के लिए पिंक। सबसे पहले हम इसको नीट कर लेंगे, ये जो थ्रेड है हम इसको पीछे की तरफ ले जाके तो पक्का कर देंगे ताकि ये खुले ना। ठीक है, एक्स्ट्रा जो थ्रेड हैं वो हम कट कर देंगे जी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने फ्लावर जो है वो स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें इस तरह से हम चेन के अंदर हुक इंसर्ट कर देंगे और इस तरह से हमने, ये देखें इन फिंगर्स के साथ मैंने होल्ड किया धागा, यहाँ से हम थ्रेड लेंगे इसके अंदर से और 3 जो हैं वो सॉरी 4 चेन हम बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4 हमने चेन बना ली है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए 1 and 2 यार्न ओवर 2 टाइम एंड फिर दोबारा से उसी चेन के अंदर हमने जाके इस तरह से धागा करना है। अब इसके अंदर से फिर हमने यार्न ओवर पुल अप द लूप, यार्न ओवर पुल अप द लूप 2 टाइम्स। ठीक है, 2 दफ़ा हमने ये स्टेप लिया, यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। दोबारा से 1, 2 दोबारा उसी स्टिच के अंदर हम वही स्टेप करेंगे, यार्न ओवर पुल अप द लूप, यार्न ओवर पुल अप द। ठीक है, अब हमारे पास ये कितने 1, 2, 3
थ्री स्टिचेस जो हैं वो आ गए हैं, हमने फोर स्टिचेस जो हैं यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, दोबारा से देखें, वन टू। ठीक है, दो दफ़ा हमने ये धागा इसको इसके ऊपर क्रोशिया के ऊपर लेना है आसान लफ्ज़ों में। अब दोबारा धागे को लेते हुए हमने इसके अंदर से जाना है, फिर इस तरह से धागा लिया, दो जो लूप्स हैं उसके अंदर से हमने क्रोशिया निकाला, फिर हमने धागा इस तरह से लिया और दो लूप्स के अंदर से इस तरह धागा लेना है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो फोर चेन हमने बनाई थी इसको ऐड करते हुए हमारे पास वन टू थ्री फोर, फोर जो हैं ये स्टिचेस आ गए हैं। आप ऊपर भी देख लें, फोर लूप्स हैं हमारे पास, वन टू थ्री फोर। अब हमने एक साथ इस तरह से धागा लेना है और इन सब में से इस तरह हमने ये एक लूप कर लेनी है। ठीक है, उन सब के अंदर से हमने धागा लिया और क्रोशिया अपना इस तरह से खींचते हुए इस तरह हमने इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमने थ्री चेन बनाने हैं, वन टू एंड थ्री। थ्री चेन करने के बाद उसी तरह से दो दफ़ा हमने धागा इस तरह इसके ऊपर क्रोशिया के लेना है, जो नेक्स्ट चेन है उसके अंदर हमने क्रोशिया इस तरह से डालना है और इस तरह धागा लेते हुए पहले दो लूप्स में से धागा निकालना है हमने और फिर जो है वो दो लूप्स के अंदर से धागा निकाल लिया, तो इस तरह ये हमारा स्टिच जो है वो बन गया। ठीक है, दोबारा से वन टू, ये स्टेप जो है ये हमने करते जाना है। दो लूप्स में से निकाला यार्न ओवर, फिर दो लूप्स के अंदर से हमने क्रोशिया निकाला। अब हमारे पास टू स्टिचेस आ गए हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से वन टू, इसके अंदर उसी चेन में से हमने बार बार, जब तक हमारी पेटल जो है वो रेडी नहीं होती, हमने बार बार जो है वो स्टेप लेते जाना है। तीन स्टिचेस आगे हमने फोर फोर स्टिचेस की जो है वो एक पेटल रेडी करनी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से ये देखिए, अब हमारे पास फोर स्टिचेस आ गए हैं। ठीक है, अब हमने यार्न ओवर और फिर इस तरह से सबके अंदर से इस तरह खींचते हुए इसको ज्वाइन कर लेना है और ये हमारी नेक्स्ट पेटल जो है वो भी रेडी हो गई है। तो फिर उसी तरह से वन टू एंड थ्री चेन करने हैं हमने, ये हमारे पास टू पेटल्स रेडी हो गई हैं। हमने इधर सेंटर में जो है वो 12 डबल क्रोशे बनाए थे और हमारी पेटल्स जो हैं वो भी 12 ही बनेंगी। अगर आपने स्क्वायर जो है वो छोटा बनाना है तो आप यहाँ पे स्टिचेस कम कर सकते हैं और उसी हिसाब से फिर आपकी पेटल्स भी कम आएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितनी 12 पेटल्स जो हैं वो रेडी करनी है। अब नेक्स्ट में जाएंगे और इसी तरह से हमने सारी पेटल्स जो हैं वो अपनी कंप्लीट करनी है। वो कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ जी। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी ये 12 पेटल्स जो हैं ये कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये 12 कंप्लीट करने के बाद फिर हमने थ्री चेन उसी तरह से लिए और अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और ये हमारे पास डेजी फ्लावर जो है ये बन गया है। अब हम स्क्वायर शेप जो है वो कैसे रेडी करेंगे ये हम सीखेंगे।
जी, तो सर्कल हमारा ये वाला जो है पेटल्स वाला रेडी हो गया है। फ्लावर हमने बना लिए, अब हमने स्क्वायर शेप इसको देनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो खाली स्पेस है इस तरह से, उसके अंदर हम ये हुक अपने इस तरह से डालेंगे और इस तरह से थ्रेड लेते हुए 1 2 3 थ्री चेन बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से होल्ड रखेंगे नीचे वाला थ्रेड और फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ठीक है, दोबारा से वही स्टिच, शुरू में हमने जो थ्री चेन बनाई है उसको ऐड करते हुए, ये देखिए अब हमारे पास थ्री जो है वो डबल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं। ठीक है, ये जो थ्री चेन थे उसको भी हमने स्टिच जो है वो उसको मिला के, तो 1 2 3 स्टिच जो है वो काउंट हो गए हमारे। उसके बाद हमने टू चेन बनाने हैं और फिर दोबारा से इसी होल के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ठीक है, दो और 3 डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो कंप्लीट हो गए हमारे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है ये वाला होल इसमें जाना है और फिर इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया स्टिच। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट होल में जाना है और वहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में जाना है और उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेने हैं। ये और फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे, दोबारा से उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया स्टिच और फिर हमने क्या करना है, अपना नेक्स्ट जो है वो जैसे ये कॉर्नर हमने रेडी किया था उसी तरह से हम 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे स्टिच जो है वो लेने के बाद हमने 1 2 चेन बना लेने हैं और फिर उसी होल में हमने 3 जो है वो स्टिचेस ले लेने हैं। ठीक है, याद रखना है कि जब हमने कॉर्नर बनाना है इसका तो फिर हमने इस तरह से, यानी टोटल 6 ये स्टिचेस होंगे और 3 के बाद हमने 2 चेन बनाने हैं और फिर उसके बाद 3 स्टिचेस बनाने हैं। ठीक है, इनके सेंटर में जो है ये 2 इस तरह से बनाने स्टिचेस। नेक्स्ट होल में जैसे मैंने आपको बताया कि जब नेक्स्ट होल में जाना है कॉर्नर बनाने के बाद 3 आपने डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, फिर नेक्स्ट फिर 3 आपने बनाने हैं। अब हमने क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर अपना बनाना था तो हमने 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद 2 चेन लिए और फिर दोबारा से 3 डबल क्रोशिया स्टिच बना लिए। ठीक है, अब हम दोबारा से यही वाला स्टेप जो है वो करेंगे और अपने 4 कॉर्नर जो है वो रेडी कर लेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने अपने 4 कॉर्नर जो है वो रेडी कर लिए। देखें यहाँ पे सेंटर पे हमने 2-2 इस तरह से करने हैं, कॉर्नर पे वही स्टेप हमने 3 फिर 2 चेन फिर 3 डबल क्रोशे फिर 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे, ये कॉर्नर था ये सेम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। और अब लास्ट पे हमने क्या करना है, कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पे आके, ये जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाए थे यहाँ पे इस जगह पे आके हमने ये इस तरह से स्लिप स्टिच लेना है और इसको लॉक कर देना है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने ये आपका स्क्वायर जो है वो रेडी हो जाता है। अब आप इसको जितना चाहें ऊपर जो है वो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने इसकी डबल रोज बनाई हैं। आप इसी तरह इसी मेथड को यूज़ करते हुए आगे 2, 3, 4 जितनी चाहें जितना बड़ा स्क्वायर आपने करना है आप ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।